वजह से बहुत सारी सीखें मिली, लोग इंस्पायर हुए, लेकिन एक चीज़ जो होमोसेक्सुअलिटी वाला आप जी कहीं ना कहीं चंडीगढ़ में कोर्ट ने एक लीगल नोटिस भी भेजी है जिसका आपको रिस्पॉन्स देना है 19 दिसंबर तक। तो एक्चुअली क्या है ये और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं कि लोगों को इंस्पायर कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं लोग खफा भी हो रहे हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि ये एक डेमोक्रेसी है और हर इंसान का अपना नज़रिया होता है। हमारे रिसर्च में जो सामने आया वो हमने देश भर के लोगों के साथ बांटा। अगर किसी को उससे तकलीफ़ है तो यकीनन वो भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। और नोटिस अभी तक मुझे पहुंचा नहीं है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस नोटिस का ताकि मैं उसका जवाब भी दे सकूँ। यकीनन और मैं ये दोबारा कहना चाहूँगा कि हमने जो शो पे LGBT के सिलसिले में जो हमने शो पे जो जो चीज़ें हमने दिखाई जो कही हैं उसके साथ मैं 100% उसके साथ मैं सहमत हूँ। तो जो हमने कहा है हम उसके साथ ही खड़े रहे हैं और अगर किसी को उससे आपत्ति है तो हम उससे बातचीत करेंगे, उसको हम समझाएंगे कि हमारा नज़रिया ऐसा क्यों है और क्यों मेडिकल साइंस ये मानता है कि ये कुदरती है, पैदाइशी है होमोसेक्सुअलिटी या अल्टरनेट जो जेंडर प्रेफरेंस है, ये पैदाइशी है और कुदरती है, ये हम क्यों मानते हैं? हम आपको समझा सकते हैं, जिसको भी ये बात जाननी है और तफसील में हम समझा सकते हैं और हम खुश हैं ये करने में, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है।